नमो बुद्धाय, नमो अशोक दीप रत्ना, जय भीम साथियों।
नमो बुद्धाय। चलो दोस्तों, आज हम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इलेक्शन लाइव अपडेट मंत्र के जीत के साथ में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर देश के आज तक के 15 राष्ट्रपति हुए, 14 राष्ट्रपति और 15वीं राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी दीदी मुर्मू राष्ट्रपति हुए, इस बात का हमें गर्व है। भारत का संविधान दाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्हीं की ये देन है और इनके देश के कारण देश के सर्वोत्तम छोटे जात के गरीबी में जीने वाले पीएम आदरणीय मोदी जी, और मोदी जी के राज में द्रौपदी मुर्मू एक राष्ट्रपति, एक ऐसे पीएम बने जिन्होंने 7 साल की परेड में एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति कोविंद साहब को बनाए और आदरणीय कोविंद साहब बुद्धिस्ट विचार के बुद्धिस्ट फॉलोअर थे, लोग दिखते हैं बहुत सारे लोग सभी बुद्धों को मानने वाले हैं, अंदर से बुद्ध है और बाहर से कुछ अलग बातें करते हैं। इस भारत के हर लोग सभी बुद्धिस्ट हैं, फिर वो पीएम रहे। मोदी जी तो बुद्ध को बहुत ही चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल हमें बहुत सारी जगह मिला। वो बुद्ध के राष्ट्र के पूरे भारत देश में जब भी जाते हैं तब उनके मुंह से देश का परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और भगवान बुद्ध की बातें उनके मुंह से निकलती है। जब आदमी सर्वोच्च पद पर जाता है और जब बहुत सारे उम्र का हो जाता है तब आदमी की धारणा बुद्ध के बारे में समझ जाती है। जब आदमी बहुत सारे देशों में घूमता है, जाता है और परिवर्तन करता है, और उन 12 देशों में जब हजारों सभी कंट्री में बुद्ध के बारे में लोग बोलते हैं, जब हम जापान जाते हैं और जापान की प्रगति देखते हैं, जब हम सिंगापुर जाते हैं, हम बैंकॉक जाते हैं, हम भूटान जाते हैं और हमारे देश की प्रगति जब हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस देश में पैदा हुए हैं। जिस देश में भगवान बुद्ध पैदा हुए हैं, शांति के दाता भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, और बड़े खुशी से हम लोग जब गीता उनको देते हैं जापान में, तब जापान में हमें बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध की धम्म पथ और बाकी बातें हमें दी जाती है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी क्रांति है और इस बात को हमें नमन करना चाहिए। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी और कल गुरुवार 21 तारीख को सबसे ज्यादा मतों से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। इस बात का हमें गर्व होता है। ये देश की बाबा साहब के लिखी हुई संविधान की बातें हैं जो कोविंद साहब और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। इस बात का हमें अभिनंदन होता है और गर्व होता है।
इंडिया के न्यूक्लियर शील्ड के बारे में। द्रौपदी मुर्मू एंड यशवंत सिन्हा इन रेस टू द बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम इस बात का गर्व रखते हैं कि जब यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू में जब इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में यशवंत सिन्हा भी कोई कम नहीं थे, वो भी राज्यपाल थे और बहुत बड़े आदमी हैं, और मुर्मू भी, द्रौपदी मुर्मू ये भी राज्यपाल रह चुकी कई बार, और एक ऐसा इलेक्शन था। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये बाबा साहब के संविधान से बना हुआ इलेक्शन है, जहाँ देश का राष्ट्रपति भी बाबा साहब के संविधान से चलता है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा विद्वान जिस जमाने में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, और वो पढ़े लिखे लोग देश के राष्ट्रपति, देश तक के पीएम बनते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो महान लेखक, महान विद्वान और महान एक डॉक्टरेट में मिला हुआ, उस जमाने की डॉक्टरेट और आज के डॉक्टरेट में बहुत सारा फर्क है दोस्तों। उस जमाने में पीएचडी होना कोई सादी बात नहीं थी, और उस जमाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऐसे लोग जो अपनी मेहनत से बहुत सारे इस मकान पर काट दिए थे। देश का पहला राष्ट्रपति जो ब्राह्मण समाज से था, और देश का कायदे लिखने वाला कायदे मंत्री परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिस ऐसे कास्ट था जिस कास्ट को कोई लोग हाथ नहीं लगा सकते थे। देश का परिवर्तन इस तरह से होता है दोस्तों, और देश के परिवर्तन ने बाबा साहब के कारण, उस कानून लिखने के कारण, उस जमाने में भी बहुत सारे बैरिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, खुद नेहरू जी बैरिस्टर थे, और बहुत पढ़े लिखे लोग थे उस जमाने में 1947 में। 1947 और 2020 एजुकेशन गायब हो गया, शिक्षण गायब हो गया, और ऐसे लोग विदाउट शिक्षण वाले लोग देश के एजुकेशन मंत्री से लेकर बहुत सारे सीट पर जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए कि ये बात क्या हो रही है, क्यों देश का एजुकेशन कम हो गया, कि देश का एजुकेशन घट गया, कि क्या हो गया। देश के कानून, बाबा साहब ने कहा, कानून कितना भी अच्छा हो लेकिन कानून लिखने वाले अगर बराबर नहीं होते तो देश की कितना ही बेकार घटना लिखी हो वो, या अच्छी घटना लिखी हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज राष्ट्रपति पद पर जो भी जाए, थोड़ा अच्छा एजुकेशन चाहिए, उन्हें कायदे का नॉलेज चाहिए और हर बातों का अनुभव चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू ये तो राज्यपाल रह चुकी और एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं। देश में आदिवासी लोग बहुत खुश हो गए, और इतने खुश होने के बाद में जब पूरा समाज, आदिवासी समाज, समाज के नाम से एक हो गए, आज समाज और धर्म इन बातों को बहुत ध्यान दिया जाता है। किस समाज का आदमी राष्ट्रपति पद पर जाने के बाद में किस समाज को फायदा होगा, किस पार्टी को फायदा होगा, इस बात को भी ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, हम तो स्वागत करते हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का, जिन्होंने आज देश का राष्ट्रपति पद मिलाया है, और हम भी सलाम करते हैं और नमन करते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का। नमो बुद्धाय। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट आई एम श्योर यू आर वंडरिंग हाउ एग्जैक्टली इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। लेट्स क्विकली ब्रेक इट डाउन फॉर यू।
Now, while the Prime Minister and his cabinet is voted into power by people like you and me, the election of the president is done through members of the Electoral College. What is the Electoral College? Well, they consist of elected members of both houses of parliament as well as elected members of state legislative assemblies. That is why you see national parties having to ally with many regional parties. Draupadi Murmu is the 15th president of India. और इस बात की भी खुशी है सब आदिवासी लोग जिधर ढोल नारा डांस के साथ में उनके गांव में द्रौपदी जी का स्वागत कर रहे हैं with our 15th president, Draupadi Murmu. Draupadi Murmu's journey from what she used to be a backward tribal belt has been far from easy. Yet, she's not a stranger to being the first at something. She was the first from her paternal village, Uperbeda, in the same district, to go to college in the state capital, Bhubaneswar, about 270 kilometers away. Murmu started as a government clerk and was a school teacher before becoming a councillor in Rairangpur. She became MLA twice and also a minister. She was appointed governor of Jharkhand in 2015 and is now the country's president. However, Murmu's personal life was marked by tragedy thrice. She lost both her sons in their 20s to accidents and then her husband 8 years ago. Today, the family of five has just two members, Ms. Murmu and her daughter, Itishri. She built a school in memory of her husband and sons, SLS Memorial School, named after her husband, Shyam Charan, and sons, Lakshman and Shipun. After winning the presidential election, Murmu became India's first tribal president and also the youngest president of India and the one to be born after India's independence in 1947. आज हम बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू का देखते हैं इंडिया इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज वन 3219 बैलेट वोट्स जिनकी वैल्यू है 8,38,839 श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट जिनकी वैल्यू है 5,77,770 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट जिनकी वैल्यू है 2,61,062 You can calculate yourself. I'll come back to you. द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीत चुकी है भारी बहुमत उन्हें मिला है राज्यसभा के महासचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे तीनों चरणों के जो गिनती थी वो अब खत्म हो गई है और देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश की द्रौपदी मुर्मू और 15वीं राष्ट्रपति होंगी देश की चुनाव उन्होंने भारी बहुमत से जीता है जो बिल्कुल सटीक आंकड़े हैं वो जल्द ही हम आपके सामने रखेंगे लेकिन शुरू से ही इस मुकाबले को एक तरफा मुकाबला समझा जा रहा था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा उसी दिन से उनके समर्थन में कई
सारी पार्टियां जुटी, वो पार्टियां भी सामने आई जो भले ही एनडीए का हिस्सा ना हो लेकिन द्रौपदी मुर्मू का जो प्रोफाइल है उसे देखते हुए उनके साथ जुड़ गई। और साथ ही आज जब चुनाव के नतीजे आए सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि महज एक औपचारिकता है, द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई है। अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, सबसे पहले आपने नतीजे सुने जी न्यूज पर, तीसरे राउंड की मतगणना में भी आगे रही द्रौपदी मुर्मू। और अब और इस तरह से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नियुक्त हो गई। हमें खुशी इस बात की है कि कोविड के पीरियड में आदरणीय कोविंद साहब राष्ट्रपति देश के हुए और आज स्वतंत्र भारत की 1947-50 के बाद में राजेंद्र प्रसाद के बाद में द्रौपदी मुर्मू इस देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी, इस बात का भी हमें गर्व है। नतीजे साफ है, देश की 15वीं राष्ट्रपति, देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये तमाम हिंदुस्तानियों की तो आओ दोस्तों द्रौपदी मुर्मू की एक कहानी के बारे में आज का। अब हम आपको राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की वो अनसुनी कहानी बताना चाहते हैं जिसे सुनकर आज देश की हर महिला भावुक होगी और उत्साहित भी होगी। असल में उनकी ये कहानी हर उस आम आदमी को शक्ति देगी जो किसी बड़े खानदान या किसी बड़े घराने में, किसी पैसे वाले खानदान में पैदा नहीं हुआ, जो एक आम नागरिक की तरह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उड़ीसा के मयूरभंज में छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू फिलहाल उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक साधारण से घर में रहती है। दो मंजिल के इस घर में 6 कमरे हैं और ये घर किसी वीवीआईपी इलाके में नहीं है बल्कि ये घर एक साधारण से रिहायशी इलाके में है जहां ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस छोटे से घर से निकलकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रहेंगी जो 330 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिस राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसका गार्डन एरिया ही सिर्फ 190 एकड़ में फैला हुआ है और जहां कुल मिलाकर 750 कर्मचारी काम करते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू इस घर से दूसरे घर में जा रही है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था, यानी आप समझ लीजिए कि ये उनका सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट है। 20 जून को उनका जन्मदिन था और 21 जून को उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की का ऐलान हो गया। दिलचस्प बात यह है कि अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती हैं, तो वो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति बन जाएंगी जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है, यानी जिनकी जो उम्र है वो आजाद भारत से कम है। इससे पहले नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। यानी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के दो सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर ऐसे नेता बैठे होंगे जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन निजी जीवन में समय ने बार बार उनकी परीक्षा ली और एक वक्त ऐसा आया जब द्रौपदी मुर्मू डिप्रेशन में भी चली गई थी। ये बात 2009 की है जब सिर्फ 25 साल की उम्र में उनके एक बेटे की असमय मौत हो गई थी। अपने बेटे की मृत्यु से द्रौपदी मुर्मू को इतना गहरा सदमा लगा कि वो उस समय डिप्रेशन में चली गई और इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी कि 4 साल बाद वर्ष 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। यानी सिर्फ 4 वर्षों में उन्होंने एक के बाद एक अपने दोनों बेटों को खो दिया। उनके निजी जीवन में आई ये त्रासदी यहीं पर नहीं रुकी। 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु के कुछ दिन के बाद ही उनकी मां की मृत्यु हुई और उसके बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। और इस तरह एक महीने में ही द्रौपदी मुर्मू ने पहले अपने बेटे को खोया, फिर अपनी मां को खोया और फिर उनके भाई भी दुनिया से चले गए एक महीने के अंदर अंदर। और जब इन तमाम दुखों को पीछे छोड़कर वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी, तब अगले ही साल 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया।
यानी धीरे धीरे उन्होंने सबको खो दिया। पति की मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए सामान्य जीवन में लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म के साथ साथ योग करना शुरू किया, डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जब तक उन्होंने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक इसे हरा नहीं दिया। और इसके बाद वो 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। द्रौपदी मुर्मू की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो बहुत विनम्र स्वभाव की हैं और उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। आज जब वो अपने गृह जिले में स्थित एक मंदिर में पूजा के लिए पहुंची तो इस दौरान उन्होंने मंदिर में झाड़ू भी लगाई और वहां मौजूद पुजारियों और आम लोगों से वैसे ही बात की जैसे हमेशा से करती। जिस तरह आज बहुत सारे लोग द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने पर हैरानी जता रहे हैं, ठीक इसी तरह की हैरानी लोगों ने तब भी जताई थी जब उनका राजनीति में प्रवेश हुआ था। असल में द्रौपदी मुर्मू ने कभी सपने में भी ये सोचा नहीं था कि वो राजनीति में आएंगे। वर्ष 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उनके करियर की पहली नौकरी एक क्लर्क के तौर पर थी। द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के तौर पर की थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने नौकरी बदली और फिर वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाने लगी। यानी पहले क्लर्क रही, इसके बाद शिक्षक बन गई और फिर उनके जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वर्ष 1997 में मयूरभंज से वार्ड परिषद बनी, यानी वार्ड पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा और पार्षद बन भी गई। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। वो दो बार उड़ीसा से विधायक बनी और 2000 से 2004 तक उड़ीसा की सरकार में राज्य मंत्री रही। फिर 2015 में उन्हें झारखंड की राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई और उस समय वो राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से मिलने आई थी। और शायद तब उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस राष्ट्रपति भवन में वो बतौर राज्यपाल राष्ट्रपति से मिलने के लिए गई है, एक दिन उसी राष्ट्रपति भवन में उन्हें प्रवेश मिलेगा भारत के नए राष्ट्रपति के तौर पर। द्रौपदी मुर्मू को विनम्र स्वभाव के होने के साथ साथ एक कड़क नेता भी माना जाता है और वो अक्सर अपने फैसलों को लेकर अड़िग रहती हैं। 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में कुछ बदलाव किए थे। ये कानून आदिवासी समुदाय की जमीनों की सुरक्षा से जुड़े हुए थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इनमें कुछ संशोधन किया और उन्हें उस समय विधानसभा से पास भी करवा लिया। लेकिन जब ये कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए पहुंचे, क्योंकि वो राज्यपाल थी, तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और इन कानूनों को वापस लौटा दिया। तो दोस्तों, कुछ भी रहे, बीजेपी का शासन एक मजबूत शासन है जिन्होंने 7 साल में एक राष्ट्रपति और एक एससी समाज के और एक एसटी समाज की राष्ट्रपति बनाकर इस देश का गौरव किया। हम नमन करते हैं मोदी जी को और नमन करते हैं।